नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। पर्यावरण संरक्षण के लिए कैमूर नगर परिषद द्वारा कराया गया पौधरोपण, 3R पार्क में रोपे गए छायादार एवं फलदार पौधे, रैली निकालकर किया गया जागरूक। 5 जून से 16 जून तक जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर परिषद कैमूर द्वारा वार्ड क्रमांक 2 में स्थित 3R पार्क में विभिन्न प्रजाति के छायादार एवं फलदार पौधे रोपित किए गए। पौधरोपण अभियान के दौरान वार्ड के रहवासियों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। इस उपलक्ष्य में जन जागरूकता रैली निकाली गई और पर्यावरण बचाने का संदेश प्रसारित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष मनीषा अजय शर्मा, उपाध्यक्ष संतोष केवट, पूर्व उपाध्यक्ष अजय शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी धर्मेन्द्र शर्मा, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुधांशु तिवारी, रसायनज्ञ राजेन्द्र शुक्ला, स्वच्छता निरीक्षक PR सिंह, एवरेस्ट महाप्रबंधक किशोर परमार, ACC अडानी उद्योग से सुरेश पटेल, एडवोकेट ब्रह्ममूर्ति तिवारी, समाजसेवी प्रत्येश पांडे, गुरदीप कपूर, सुरेश परोहा, अनीता सेन, ब्रजेश पांडे, वीरेंद्र सिंह, राजेश सिंघई, संत शरण सिंह, नगर परिषद से बिहारी लाल यादव, रामकिंकर तिवारी, ऋषि राज दुबे, अमित शर्मा एवं अन्य समस्त स्टाफ, नगर के गणमान्य नागरिक, वार्ड के रहवासी जन उपस्थित थे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर परिषद द्वारा 5,000 पौधों का रोपण किया जाना है।